क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का क्वेश्चन 1 हमें दिया है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस बाय द वाइमर रिपब्लिक। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, जो प्रॉब्लम फेस की थी वाइमर रिपब्लिक की वजह से वो क्या थी। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी में आपको आंसर्स दिए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जो सॉल्यूशन में जो आंसर दिए वो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक पिक। और ये आंसर को देखो बहुत बार घुमा फिरा के दिया है, एकदम ऐसे पूरा तोड़ मरोड़ के दिया है, एकदम घुमा फिरा के। तो आप ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो फिर देखो मैं पॉइंट्स में आपको अच्छे से शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो ये आंसर आपको लग रहा है बड़ा, तो फिर वो आपकी गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, वो क्यों बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा पूछा है। तो कौन सी प्रॉब्लम फेस की गई थी वाइमर रिपब्लिक की वजह से, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो वर्सलिस ट्रीटी, तो वर्सलिस ट्रीटी क्या थी, एक ट्रीटी थी, उसे क्या किया था वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया था। वो क्यों किया था वाइमर रिपब्लिक ने साइन, उनको कुछ फ़ायदा होने वाला था क्या? नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला था। वो जो कंट्री जो जीती हुई थी उन्होंने उसको फोर्स किया था। देखो अब जीती हुई कंट्री है तो उनके ऑर्डर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे बिना कुछ बोले। तो वाइमर रिपब्लिक ने भी वैसा किया। तो क्या किया था वाइमर रिपब्लिक ने, उनके ऑर्डर्स फॉलो किए, तो फिर उन्होंने क्या बोला था, वर्सलिस ट्रीटी साइन करने को। तो फिर लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि वाइमर रिपब्लिक को फोर्स किया गया था, तो उन्होंने क्या बोला, उनकी वजह से ही सब हुआ था। तो वर्सलिस ट्रीटी अब देखते क्या थी। तो वर्सलिस ट्रीटी क्या थी, देखो वर्सलिस ट्रीटी देखो एक हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, मतलब बहुत बेकार सी ट्रीटी थी, उसके अंदर जर्मनी का बहुत नुकसान होने वाला था। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है पॉइंट, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन। तो क्या हुआ था, जो जर्मनी की जो कॉलोनीज थी, जैसे अफ्रीका में जर्मनी ने थोड़े थोड़े कॉलोनीज बना के रखे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे कब्जा करके रखा था। तो क्या हुआ, जो उन्होंने जगह की कॉलोनीज बना के रखी थी तो उधर उनके पॉपुलेशन मतलब उनके लोग रहते थे। और तो क्या हुआ, इसमें लिखा था वर्सलिस ट्रीटी में कि उनकी कॉलोनीज जो थी वो छीन ली जाएंगी, मतलब उनका वो कॉलोनीज नहीं मिलेंगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी घट गई, क्योंकि कॉलोनीज चली गई तो पॉपुलेशन भी घट जाएगी। और ऊपर से देखो जो वॉर में उन लोग हारे थे, मतलब वॉर में अगर हारे भी थे तो देखो उनकी आर्मी की डेथ तो हुई होगी ना, मतलब जो आर्मी थी उनकी तो मरे होंगे ना, तो 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन में उन लोग भी इंक्लूड होते हैं, उन लोग भी मरे थे, वो मरे थे इसलिए तो 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन हुई। तो देखो सेकंड हमें दिया है 13% ऑफ दिस टेरिटरी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द जर्मनी। तो ये देखो क्वेश्चन आपको मैं डायग्राम के साथ समझ आ देता हूँ, क्या दिया है हमें 13% ऑफ दिस टेरिटरी, मतलब 13% टेरिटरी ले ली गई थी किससे, जर्मनी से। कौन सी टेरिटरी थी मैं दिखा देता हूँ पहले। देखो ये जो ऑरेंज मार्क की गई है वो ये सारी टेरिटरी है, ये भी टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, और ये देखो ये और एक ऊपर की, ये और एक ऊपर की। तो क्या गई थी जो ट्रीटी थी उसमें ये लिखा गया था कि इसे 13% टेरिटरीज भी ले ली जाएगी जर्मनी से, अदर कंट्रीज ले ली जाएगी। वो कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथिनिया और भी दो तीन कंट्री थी। तो क्या हुआ, वो टेरिटरीज में उनके क्या क्या इंक्लूड्स थे, देखो टेरिटरी के साथ उनका क्या क्या गया, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टेकन फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथिनिया। तो देखो जब उन लोग का देखो इधर ये चले गया, इधर सारी इतनी सारी ये चली गई, क्या चले गई उनकी कंट्री चले, मतलब उनकी जो जगह थी वो चले गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें बहुत लॉस हुआ, टेरिटरी जब गई तो उन्हें बहुत लॉस हुआ। कैसे, उनकी जो 75% क्या थी, उधर आयरन थी, जो इस एरिया है देखो ये वाली जो एरिया है उधर 75% उधर आयरन प्रोड्यूस होता था, और 26% इस एरिया में थोड़ा सा ये प्रोड्यूस होता था, क्या, कोल प्रोड्यूस होता था। तो फिर क्या हुआ, जर्मनी से जब ये ले ली गई तो उसके अगर टेरिटरी ले ली जाएगी तो उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है, कोल ये सब है, वो सब भी चले जाएगा उसके साथ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी का इधर तो लॉस हो गया। अब देखो अंडर वॉर गिल्ट्स जर्मनी वॉज फोर्स टू पे £6 बिलियन। तो देखो अब जो देखो वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो उसके अंदर देखो सारे कंट्री को लॉस तो हुआ ही था। तो देखो क्या हुआ था, जितने भी लॉस हुए थे सारे कंट्री को, सारे कंट्री ने £6 बिलियन का जुर्माना लगाया जर्मनी के ऊपर। तो देखो जर्मनी की पहले से ही इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो ऊपर से उन्होंने क्या किया, £6 बिलियन का उनके ऊपर ये लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी को ये पे भी करना पड़ा। तो जर्मनी ने लेकिन पूरा पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने पे किया था, वो बहुत थक गया था पूरा, उनके पास पैसा ही नहीं बचा था पे करने को। अब देखो एलाइट्स पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, तो एलाइट्स पावर क्या है, तो जो जीती हुई कंट्री थी उनको बोलेंगे हम एलाइट्स, एलिस। तो देखो उन्होंने क्या किया था, डीमिलिटराइज जर्मनी, देखो इसको साफ कर देता हूँ। तो देखो एलाइट्स पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, तो देखो अब ये जो एरिया है, ये जगह जो है, इसको बोलेंगे हम राइनलैंड की जगह, मतलब राइनलैंड मतलब एक जगह है। तो ये एरिया में क्या किया था, डीमिलिटराइज जर्मनी, मतलब इधर क्या किया था कि जो मिलिट्री रहेगी इधर नहीं रहेगी,
क्योंकि फ्रांस पहले से ही जानती थी कि जर्मनी बहुत खतरनाक है, वो कभी भी अपनी आर्मी बना सकती है, तो इसलिए इस एरिया पे उन्होंने क्या किया था, डीमिलिटराइज कर दिया था कि इधर कोई आर्मी रखेगा ही नहीं, जर्मनी अपनी आर्मी रखेगा नहीं इधर। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, देखो इन लोग चाहते तो इधर कब्जा भी कर लेते, और उन्होंने बाद में किया भी कब्जा, क्योंकि देखो अब इधर आर्मी नहीं है तो धीरे धीरे करके कब्जा कर ही लेंगे ये एरिया पे, तो उन्होंने कब्जा किया। तो देखो ये हो गया हम लोग का पूरा वर्सलिस ट्रीटी में क्या क्या दिया था। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या हमें दिया है, इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या क्या थे, मतलब इकोनॉमिक उधर की पहले से ही बहुत ख़राब थी। तो देखते हैं, जर्मनी रिफ्यूज टू पे वॉर रिपरेशन। तो क्या हुआ था, जर्मनी थक गई थी पे करते करते, उन्होंने बहुत सारे पे करते गए, लेकिन उनका 10 के 15 साल से वो पे करते, लेकिन अभी तक उनका ख़त्म नहीं हुआ था वो 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना। तो थक गए थे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचा था, तो पे क्या करेंगे। तो बीच में उनके यूएसए ने हेल्प की थी, लेकिन क्या हुआ था, उनका जो स्टॉक मार्केट था यूएसए का वो क्रैश हो गया था, उसकी वजह से यूएसए भी लॉस में आ गया था, उसकी वजह से यूएसए भी उनको लोन देना बंद कर दिया। अब देखो फ्रेंच ऑक्यूपाइड रूर रीजन। तो अब देखो जर्मनी जब मना कर दिया क्या 6 बिलियन पाउंड्स का वो जो जुर्माना था वो पे करने के लिए, तो क्या हुआ, फ्रेंच बोले कि अब जान दो, तुम लोग दो मत हमको, चलेगा, हम लोग तुम्हारा एरिया ऑक्यूपाई कर देंगे। मतलब जो एरिया जो डीमिलिटराइज हुआ था, तो वो एरिया उन लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब वो एरिया ले लिया गया। तो उसमें वो जो एरिया था उसमें लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज थी, मतलब वो एरिया में पूरी इंडस्ट्रीज थी उनकी। तो अब उनकी इंडस्ट्रीज चली गई तो उनका ग्रो होने का चांसेस ही नहीं था जर्मनी का, क्योंकि फ्रेंच ने ऐसी एरिया ली थी जिधर उनकी पूरी इंडस्ट्रीज थी। तो देखो अब थर्ड में क्या दिया, जर्मनी रिटेलिएटेड विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेफरेंसली। तो क्या हुआ, इसके वजह से जर्मनी को कुछ सूझा नहीं, और उन्होंने एक चीज़ सोचा कि हम लोग पेपर करेंसी प्रिंट करते जाए और सबको बांटते जाए। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा घपला हो गया। क्या हो गया, देखो जर्मनी जब प्रिंट करते गए पेपर करेंसी कर रहे, तो उसके बाद उन्होंने सबको बांटा। तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपको एक पेन ख़रीदना है और मुझे भी वो पेन अच्छा लगा, तो आप आपके घर में एक प्रिंटिंग मशीन है, मेरे घर में भी एक प्रिंटिंग मशीन है, तो अगर मैं 10 रुपये प्रिंट करके लाया, आप 100 रुपये लेके आओगे, मैं 1000 रुपये प्रिंट करके लाया, ये भी आप 1 लाख लेके आओगे, ऐसे लेते जाओगे, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए आप एक इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हो। उसके वजह क्या हुआ, जो वैल्यू थी जर्मन मार्क की, जो वैल्यू थी वो गिर गई, क्योंकि देखो गुड्स की जब प्राइस इंक्रीज हो गई, और देखो हमारे इधर $1 की वैल्यू 72 है, तो उधर क्या थी एक डॉलर की वैल्यू थी कुछ लाखों में करोड़ों में थी $1 की वैल्यू, और प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, तो जो चीज़ थी सामान थी उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो ये जो आदमी है इसे एक ब्रेड खरीदने के लिए इतना सारा पैसा लेके जाना पड़ रहा है, सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए, ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए इतना सारा पैसा लेके जाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इन लोगों के पास इतना सारा पैसा इन लोगों ने प्रिंट कर दिया था, इसकी वजह से उनकी बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो अब देखते हैं वो पॉलिटिकल डिफेक्ट्स, पॉलिटिकल डिफेक्ट्स क्या थे उसमें। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनी पार्टी टू गेट अ मेजोरिटी लीडिंग टू कोस्ट लाइन गवर्नमेंट। तो देखो मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो उनका जो वोट होता था, देखो जैसे वोटिंग में देखो जैसे बीजेपी को कितना वोट मिला, बीजेपी को 39% वोट मिला, आम आदमी शिवसेना को 31% मिला, आम आदमी पार्टी को 19.7 और ऐसे ही बहुत सब। तो देखो जब जिसको ज़्यादा वोट मिला हमारे इधर क्या होता है, वही पार्टी जीतती है, तो उसके सारे डिफेंस मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे रहते हैं। लेकिन इधर क्या था, इधर कैसा रूल था, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद देखो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वो पार्टी की प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद उसके नीचे वाला पोस्ट क्या है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जैसे शिवसेना रहेगी, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर आम आदमी पार्टी रहेगी, मतलब ये सारे पार्टी को वोट मिलता है, मतलब सारे पार्टी कुछ ना कुछ बनती है इधर। तो ये चीज़ बहुत गलत थी, क्योंकि उनमें कभी सुलह नहीं हो सकता है और उन लोग कभी एक प्रॉपर डिसीजन ले नहीं सकते, इसकी वजह से बहुत बार लड़ाई होती होगी उनके बीच में, उसकी वजह से, क्योंकि देखो सब अलग अलग पार्टी के कुछ अलग अलग चीज़ बने इसलिए। तो अब देखो आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 विच गेव प्रेजिडेंट टू पावर टू रूल बाय डिक्रीज सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड इम्पोज एन इमरजेंसी। तो क्या हुआ था, आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट था उधर का वो कभी भी चाहे सस्पेंड कर सकता है, किससे, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, और एक पेपर पे लिख के वो इमरजेंसी बना सकता है, मतलब कुछ इमरजेंसी लागू कर सकता है वो स्टेट में, एक पेपर पे लिख के वो डायरेक्ट उसका लॉ बन जाएगा। तो अब थर्ड देखो, तो जर्मनी का क्या हुआ था, इसकी वजह से वो तो सब खो चुकी थी उम्मीद की अब डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो वेमार रिपब्लिक है वो कुछ कर सकती है, उसकी वजह से जर्मनी थक गई थी, और उन्हें जो उधर के लोग थे वो बोले थे अब जर्मनी कुछ कर नहीं सकती, इसके पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है इधर, तो डेमोक्रेसी के ऊपर से जर्मनी का भरोसा उड़ गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,